देखिए 2005 में हमने राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का गठन किया था। मेरा मानना है कि विकलांगों का लोकतंत्र में भागीदारी हो और विकलांगता का स्वरूप भी बड़ा है। विकलांग जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो हैं, साथ में विधवा माताएं और बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर हो जाते हैं जिनको सरकार बेकार मान लेती है, ये सभी विकलांग हैं और इनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरी भूमिका हो, इसको लेकर हमने पार्टी बनाई और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मैं आज भी कार्यरत हूँ। और लगभग सभी हिंदी भाषी प्रदेशों में हमने विकलांगों का एक संगठन खड़ा किया है। एक रोजगार के नाम पर एक चीज़ है, यहाँ अपना दर्जोजी का काम है और आलू का व्यवसाय तो नहीं कहेंगे, खेती है, लेकिन उनको भी समुचित मूल्य नहीं मिल रहा है। लोगों को जैसे ही इंटरमीडिएट कर लेते हैं, अगर उच्च शिक्षा पढ़नी है तो उनको शहर को छोड़कर जाना पड़ता है। कोई जब उनको माँ बाप के साथ रहने का समय होता है, माँ बाप अच्छी शिक्षा देते हैं उस समय, तो लोगों का ये शिकायत सबसे बड़ी है कि कितना बड़ा शहर है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक नाम है फर्रुखाबाद का, लेकिन शिक्षा के नाम पर शून्य है। सबसे पहले तो एक बिजली का एक कारखाना लगना चाहिए, जो नौटंकी पिछले सांसद ने की है सलमान खुर्शीद साहब ने, वो नौटंकी वास्तव में सड़क पर होनी चाहिए थी, मतलब जमीन पर दिखनी चाहिए थी, कारखाना लगना चाहिए था। और मैं अगर जनप्रति बनता हूँ तो सबसे पहला काम यही होगा। देखिए, महिलाएं हमारे भारत में देवी के समान पूजी जाती हैं। मैं मानता हूँ कि महिलाओं का सुरक्षा सबसे पहले और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करने होंगे, आगे बढ़ाने के लिए ही हमें प्रयास करने होंगे। उसके लिए हमें एक तो अच्छी उच्च शिक्षा की व्यवस्था, महिलाओं के को जो सरल लगे उस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी, जहाँ महिलाओं के साथ कोई अभद्रता ना हो, कोई जो है उनको पढ़ाई करने में अड़चन ना आए, तो वो व्यवस्था तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो उच्च से चिकित्सा की व्यवस्था कराऊँगा, फिर उच्च शिक्षा की व्यवस्था कराऊँगा, रोजगार मुहैया कराऊँगा। आलू आधारित खेती बहुत बड़ी है यहाँ पर, उसी के आधारित दो चार कम से कम प्रोजेक्ट, मतलब हर तहसील में एक प्रोजेक्ट हो जिसमें 200-500 लोगों को रोजगार मिले, जो लोग उस सामान की मार्केटिंग करें उनको रोजगार मिले, हमारा यही लक्ष्य है।